हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे पिज़्ज़ा बनाना। उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की जगह कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं और भी कुछ सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस, जो मार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से। और उसके बाद मैंने यहाँ टमाटो केचप, फन फूड्स का पिज़्ज़ा टॉपिंग और अमूल चीज़ यूज़ की है। आप कुछ भी किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टमाटर को बारीक चॉप करेंगे और प्याज और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप करेंगे। उसके बाद हम ये फन फूड्स का पिज़्ज़ा टॉपिंग पिज़्ज़ा बेस पर लगाएंगे। तरह फैला कर लगा दिया है, कुछ इस तरह। उसके बाद हम प्याज इसके ऊपर फैलाएंगे, प्याज इस तरह फैलाएंगे कि ये पूरा कवर हो जाए बेस इसका। उसके बाद हम कटे हुए टमाटर इस पर लगाएंगे। इस तरह से हमने ये प्याज और टमाटर फैला दिए हैं पिज़्ज़ा बेस पर। उसके बाद ग्रीन चिली या फिर कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, शिमला मिर्च। उसके बाद अमूल चीज़ को इस पर लगाएंगे। आप किसी भी कंपनी की चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। चीज़ को इस तरह लगाएंगे कि इसकी पूरा पूरी तरीके से ये पिज़्ज़ा बेस पे फैल जाए। अब यह इस तरह से हमने चीज़ लगा दी है। इसके बाद हम कुकर लेंगे, कुछ ये बाटी का कुकर है। इस पर हम जाली के ऊपर ये पिज़्ज़ा हमारा बना हुआ है वो रखेंगे और कम आंच पर इसको रखेंगे, ताकि ये जले नहीं। अगर तेज आंच करेंगे आप तो ये जल सकता है। करीब 5 से 10 मिनट तक इसको कम आंच पर पकने देंगे। अब हम देखेंगे इसको खोलकर, पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। इसको प्लेट में निकाल कर कट करके देख सकते हैं, ये बन चुका है। ये कुछ इस तरह दिखेगा बनने के बाद। तो दोस्तों, पसंद आया आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।